की ओर के। देखिए आज 25 से ज्यादा लोगों ने पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है और हम इन तमाम लोगों का पैंथर्स पार्टी में स्वागत करते हैं। पैंथर्स पार्टी एकमात्र पार्टी है जम्मू की जो सेक्युलर पार्टी है, जो भाईचारे में विश्वास रखती है, जब सब लोगों को साथ लेकर चलाने में विश्वास रखती है और सबके लिए प्रयत्नशील है कि उनके मुद्दे जो हैं उनका समाधान हो सके। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम लोगों को निराश किया है। जिस तरीके से टोल प्लाजाज जम्मू के अंदर लगातार लगाए गए, प्रॉपर्टी टैक्स जो अभी हाल ही में लगाया गया है, लोग इसकी वजह से बहुत आहत हैं, बहुत गुस्से में हैं। 4G कनेक्टिविटी को बीजेपी ने बंद कर दिया और अभी हाल ही में जो लिस्ट निकली है फायर सर्विसेज की, उसमें भी 10% से कम शेयर जो है वो जम्मू प्रांत को मिल रहा है। तमाम लोगों के साथ ज्यादती यहां हो रही है। बड़े बड़े वादे जो बीजेपी ने किए थे कि जम्मू के साथ इंसाफ होगा, इसको अपना हक मिलेगा, वो महज एक जुमला बन के रह गया। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने घर तो भर दिए, लेकिन लोगों के साथ जो अन्याय किया है उसकी वजह से लोगों के अंदर एक भारी रोष बीजेपी के प्रति देखने को मिल रहा है। और आज आए दिन ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग पैंथर्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम इनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि जम्मू प्रांत की लड़ाई को, नौजवानों की लड़ाई को पाए तकमील तक पैंथर्स पार्टी ले जाएगी और तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक इंसाफ जम्मू के नौजवानों को।